31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। बाजारों में धूम है, लोग अपने घरों को सजाने के लिए बंदरवाल लाइट्स दिए जैसी शॉपिंग कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बंदरवाल लगाते समय किन फूलों का होना जरूरी है, किन पत्तों से बंदरवाल बनाई जाती है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब हमने लिए देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से। तो चलिए, उन्होंने क्या कहा आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दीपावली का जो मुख्य त्योहार है, इसमें घर की सजावट होती है। लोग तरह तरह के लाइट बल्ब और बंदनवार लगाते हैं। तो आज के आधुनिक युग में लाइट जला देते हैं वो ठीक है, लेकिन हमारा पुराना परंपरा जो है वह घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बंदनवार रहता है और घी या सरसों तेल के दीपक जलाते हैं। आजकल लोग लाइट जला देते हैं, लेकिन उससे शुभ माना गया है बंदनवार और दीपक। ये घर के मुख्य दरवाजे पर बंदरवान होना चाहिए। अब ये जान लीजिए कि बंदरवाल लगाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बाजार से बंदरवाल खरीदते हैं तो भी इन बातों का ध्यान जरूर रखें। वहीं अगर आप घर में खुद बंदरवाल बनाते हैं तो किन पत्तों का इस्तेमाल होना जरूरी होता है और किन फूलों को भी बंदरवाल में शामिल किया जाता है, चलिए अब ये जानते हैं। बंदनवार में किस चीज का पत्ता लगाएं? बंदनवार बनाते समय ध्यान रखें आम का पत्ता 11 या 13 कम से कम होना चाहिए। 11 13 पत्ते का बंदनवार दरवाजे पर लगाएं और साथ में पीले फूल, कनेल का पीला फूल जो है वह अवश्य लगाएं। यदि कनेल का पीला नहीं मिले तो आप कोई भी पुष्प पीला ही प्रयोग करें। पीला यदि आप लगाते हैं तो आपके घर का दोष, जो वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह पीला से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पीला रंग जो है माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इसलिए माँ लक्ष्मी के पूजा में विशेष ध्यान रखें, पीला पुष्प हो, पीला मिठाई हो, पीले रंग का कपड़ा हो, ये सब पीला पीला पीली कोड़ी इत्यादि यदि आप पीला का प्रयोग करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए ही बंदनवार और दीपक जलाया जाता है। इससे घर का जो है नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होता है। तो जैसे कि आपने जाना कि बंदरवाल लगाते समय कनेर के फूल या कहें कि कोई भी पीला फूल होना जरूरी है, तो अब ये भी जान लेते हैं कि बंदरवाल किस समय लगाएं, यानी कि बंदरवाल लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में भी ज्योतिषाचार्य ने हमें जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा चलिए आपको सुनाते हैं। बंदनवार आप लगा रहे हैं घर में तो थोड़ा समय का विशेष ध्यान रखें। बंदनवार लगाते समय यह ध्यान रहे जब आपकी पूजा प्रारंभ हो, स्थिर लग्न हो और प्रदोष काल। यदि प्रदोष काल में आप बंदनवार लगाते हैं, स्थिर लग्न में लगाते हैं, तो आपके लिए वह शुभ माना जाएगा। इसलिए बंदनवार जो है आप जब भी लगाएं तो प्रदोष काल में ही लगाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।